हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, शहनाज गिल एक बार फिर आपके सामने हैं। जी हाँ, लेकिन एक बार इस बार रूप नया है, रंग नया है, बात नहीं है। किस बारे में बात कर रही हैं शहनाज गिल, वो भी देखते हैं आगे। शहनाज गिल कोई मुद्दा हो, कोई अच्छी बात हो, किसी को अप्रिशिएट करना हो, शहनाज गिल पीछे रह जाएं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इस बार शहनाज गिल अप्रिशिएट कर रही हैं पैरामिलिट्री फोर्स को, देश के जवानों को। जी हाँ, और देश की आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्स को वो संबोधित करती नज़र आईं, उन्हें धन्यवाद देती नज़र आईं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती नज़र आईं। और शहनाज अपना योगदान हर क्षेत्र में देना कभी भी नहीं भूलती हैं। शहनाज एक ऐसी लड़की हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं और चारों तरफ पॉजिटिविटी को ही देखना पसंद करती हैं। वेल, अभी के लिए आप ये वीडियो देखिए। मैं आपकी शहनाज कौर गिल और मैं अपनी दोस्त दीपिका देशवाल द्वारा अपने भारत की पैरामिलिट्री फोर्स के लिए दिए गए योगदान की सराहना करती हूँ। दीपिका ने पैरामिलिट्री फोर्स को उनका हक दिलाने के लिए दिन रात एक कर दी। हमारे देश के मिलिट्री के अफसर जो बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि फोर्सेज में आंतरिक सुरक्षा और बॉर्डर में भी हमारी सुरक्षा करते हैं और दिन रात एक करते हैं, मैं उन सभी अफसरों को सलूट करती हूँ। हम सभी भारतीयों को अपने देश के इन सच्चे योद्धाओं पर बहुत बहुत गर्व है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने कि शहनाज गिल कैसे अपनी देश की पैरामिलिट्री फोर्स आर्मी को कैसे प्रोत्साहन देती हुई नज़र आईं, कैसे उनके काम को अप्रिशिएट करती हुई नज़र आईं। वेल, शहनाज गिल एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। इस मौके पर ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत अपने साथ क्या कर बैठे, और आज वो नम आँखों के साथ हमने उन्हें विदाई दी और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो शहनाज गिल को देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत सारी पॉजिटिविटी है उनके आसपास, क्योंकि एक समय ऐसा उनकी लाइफ में भी आया कि पंजाब इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह से बायकॉट किया। उनके साथ फ़ोटो शेयर करना, अपने आप को नीचे रखना लोग समझते थे, उनके साथ फ़ोटो नहीं शेयर करते थे, उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो शहनाज गिल के साथ फ़ोटो शेयर करें या उनके साथ काम करें तो इससे बाकी की इंडस्ट्री उनसे नाराज़ हो जाएगी और पंजाबी इंडस्ट्री में कोई उन्हें पूछेगा नहीं। जी हाँ, शहनाज कौर गिल को सभी ने बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं जब उन्हें बिग बॉस मिला और आज सफलता मिली तो सब उनके पीछे हैं। लेकिन इस दौरान माहौल चाहे जैसा रहा हो, लेकिन शहनाज ने अपने आप को लगातार पॉजिटिव बनाए रखा, जिसकी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हर इंसान को ज़रूरत है कि अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखे, और शहनाज कौर गिल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप उनकी तरफ देखते हैं तो आपको हंसने मुस्कुराने वाली, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप उदास हैं, परेशान हैं या नेगेटिव हो रहे हैं, तो हम तो ये भी कहेंगे कि एक बार शहनाज गिल का चेहरा देख लीजिए, क्योंकि वो पॉजिटिविटी से भरपूर हैं, ज़िंदगी से भरपूर हैं, सांसों से भरपूर हैं। उनको देखकर कोई भी जी उठेगा। तो अभी की रिपोर्ट में आप लोगों के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट देखते रहें। वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट करके बताइए कि शहनाज गिल के बारे में जो वर्ड्स हमने कहे वो आपको कितने सही लगते हैं, और क्या शहनाज गिल से आप भी कुछ सीख पाते हैं, आपको भी वो उतनी ही पॉजिटिव लगती हैं जितनी हमें लगती हैं। कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।